दोस्तों, आज हम भारत देश को देखते हैं तो आधुनिक साधु सामान आ चुके हैं, पर क्या आपको पता है 200 साल पहले भारत कैसा था? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 200 साल पहले भारत को अखंड भारत कहा जाता था। अगर अंग्रेज के भारत आने की बात करें तो उन्हें 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़े ताकतें बची थी। एक थी औरंगजेब की मुगल सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े और अंग्रेजों ने इसके कई प्रयत्न भी किए और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विविध जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे। उनकी ये मंशा कामयाब होने में 100 साल से ज़्यादा लग गए और एक ऐसा साल है 1800 का। दोस्तों, इस समय भारत या दुनिया को कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत ही अमीर लोग कुर्ता पहना करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार में जाए तो अधिकांश बुजुर्ग आपको धोती कुर्ता पहने मिलेंगे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में 16 करोड़ लोग ही थे और यहाँ पर पूरा भारत यानी अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था, यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हुआ करता था। अधिकांश लोग तो किसान ही हुआ करते थे, जो पूरे दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घर में आकर भजन कीर्तन करते थे और रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी उठ जाते थे। यही ज़्यादातर भारतवासियों का नित्य क्रम हुआ करता था। तब लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन कीर्तन करने में बाधा ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभाल लेते थे, जैसे कि कुमार, धोबी, सुतार, सोनार, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता तो शाम को ये भी यही नित्यक्रम अपनाते थे। ये तो ही गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि ये भारत की रिप्रेजेंट करते थे। उस समय घर बहुत कम हुआ करते थे और शहर की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में काम या मजदूरी किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और न ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई और इस साल में भारत में बिजली की शुरुआत हुई, लेकिन भारत के गांव-गांव में पहुंचने में और भी कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और एक आम भारतीय की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और दोस्तों, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होंगी, और ऊपर से हर साल किसान बाढ़ से सूखे और लगान की मार झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तमका हुआ करता था, जिसमें से कुछ लोग हमेशा इसकी फिराक में रहा करते थे। कैसे भी करके अंग्रेज इसे उनकी दोस्ती हो जाए और कुछ अमीर लोग सूझबूझ की स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां बहुत आम हो गई है और उस वक्त भी कई बीमारियां भी मौजूद थी। तब कालरा और प्लेग आम बात थी, तब बीमारियों की कोई भी दवाई भी नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे और इनकी अधिकतम दिक्कत प्रसव में होती थी और जानकार के अभाव के कारण कई महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। इसके कारण ही कई सारे बच्चों की जिंदगी भी चली जाती थी। और अगर बात करें उस वक्त के चुनिंदा लोगों की जिसे खुश कह सकते हैं, और वो भी जो किसी अच्छे राज्य में हुआ करते थे या तो अमीर थे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो गरीब और बदहाली की ज़िंदगी काट रहे थे। अगर शिक्षा की बात करें तो 10% भारतीय लोग ही पढ़े लिखे थे और 1% भी कम महिला, और ये आंकड़ा शहर का ही है, और गांव में तो इससे भी बदतर हालत थी। पर ऐसा नहीं था कि ना पढ़े लिखे हुए लोग किसी काम के नहीं थे, वो लोग कुशल भी थे और कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों पर डील नहीं कर पाते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसे से कोई चीज़ नहीं खरीदते थे,
बल्कि एक चिन्ह में यकीन करते थे, जैसे कि एक मटके के बदले 5 किलो चावल या 10 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में यही व्यवहार होता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुँच जाया करता था। गांव से अनाज बाहर बेचने भी नहीं जाया करता था। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव ही पाए जाते हैं। आपको कैसा लगा उस वक्त का भारत? अगर आपको 19वीं सदी के भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।